गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे कैल्क कंपोनेंट। कैल्क एक स्प्रेडशीट कंपोनेंट है लिब्रे ऑफिस का। स्प्रेडशीट्स हमें हेल्प करती है किसी भी डेटा को एनालाइज करने में, ऑर्गेनाइज करने में और डेटा को स्टोर करने में टेबल्स की फॉर्म। कैल्क यूज करके हम जो फाइल्स क्रिएट करते हैं उन्हें हम स्प्रेडशीट्स कहते हैं। स्प्रेडशीट में नंबर ऑफ इंडिविजुअल शीट्स हो सकती हैं। हर एक शीट में सेल्स हैं जो कि अरेंज किए गए हैं रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। किसी भी पर्टिकुलर सेल को आइडेंटिफाई किया जाता है रो नंबर और कॉलम लेटर से। कैल्क में हर एक शीट में मैक्सिमम 1048576 रोज हो सकती हैं एंड मैक्सिमम ऑफ 1024 कॉलम्स हो सकते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन या फिर इंटरफेस ऑफ कैल्क। कैल्क स्टार्ट करने के लिए आप लिब्रे ऑफिस पे जाएंगे। लिब्रे ऑफिस में फाइल मेन्यू पे आप न्यू ऑप्शन चूज करेंगे। अब हम चूज करेंगे स्प्रेडशीट। अब आप देख सकते हो कैल्क सॉफ्टवेयर का या फिर कंपोनेंट का क्या हो गया, इंटरफेस ओपन हुआ हुआ आ गया है। तो आप सबसे टॉप पे देख सकते हो अनटाइटल्ड वन लिब्रे ऑफिस कैल्क लिखा है। ये डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट नाम है। लिब्रे ऑफिस कैल्क आपका कंपोनेंट है। फर्स्ट रो जो है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, शीट, डेटा, टूल्स, विंडो एंड हेल्प, ये आपका मेन्यू बार है। नेक्स्ट रो स्टैंडर्ड टूल बार कही जाती है। थर्ड आपका फॉर्मेटिंग टूल बार है। अब आप देख सकते हो A1 लिखा हुआ है। A1 आपका नेम बॉक्स है जो आइडेंटिफाई करता है कि आपने शीट पे कहाँ पे क्लिक किया हुआ है। सपोज अब मैं अपनी क्लिक पोजीशन चेंज कर रही हूँ तो यहाँ पे नेम बॉक्स में क्या चेंज हो गया है, E7 आ गया है। इसी तरह आपके इनपुट लाइन या फिर फॉर्मूला बार है। जो भी हम डेटा लिखेंगे उस पर अगर हम कुछ फॉर्मूलाज लिख रहे हैं या फिर कोई भी डेटा हम अपनी शीट में इंसर्ट कर रहे हैं, सपोज मैं इस लोकेशन पे 78 लिख रही हूँ तो आप देख सकते हो मेरी इनपुट लाइन पे क्या लिखा हुआ आ गया, 79। बाय डिफॉल्ट आपका कॉलम नेम्स हैं और दो नंबर्स दिए गए हैं। कॉलम नेम्स आपके ABCDE है। कॉलम नेम्स आपका ABCDE आप तो देख सकते हो आप ड्रा करके। बहुत ही लंबी लिस्ट है। मैंने आपको एक काउंट दिया था अभी प्रेजेंटेशन स्लाइड में, वो आपका एक्सटेंड करता है। और रो नंबर्स आपकी 1, 2, 3 है। कहने का मतलब रो आपकी न्यूमेरिक्स फॉर्म में होगी और कॉलम्स आपके लेटर फॉर्म में होंगे। तो जब भी हम कोई डेटा इंसर्ट करेंगे वो नेम बॉक्स में डिपिक्ट किया जाएगा। जैसे 78 आपका कहाँ पे है, E7 कॉलम ई एंड 7th रो, आप इस एरिया को सेल भी कहते हो। नेक्स्ट आपके आ जाती है शीट टैब्स। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक शीट है, आप नंबर ऑफ शीट्स ऐड कर सकते हो। और लास्ट में आपका स्टेटस बार है जो आपको बताएगा कि आप शीट में क्या काम कर रहे हो। तो ये था आपका जनरल सा इंट्रोडक्शन कैल्क इंटरफेस के बारे में। अगर हम अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो सेव करने के लिए आप दोबारा सेव मेन्यू पे जाओगे। यहाँ पे आपकी ODF स्प्रेडशीट टाइप आएगी। जैसे ही हम सेव करेंगे तो वो आपका जो अनटाइटल्ड वन डॉट एक्सटेंशन क्या बन जाएगी, ODS। तो आपको एक्सटेंशन भी याद रखनी है। कैल्क कंपोनेंट की एक्सटेंशन क्या रहती है, .ODS रहती है। तो ये था आपका इंटरफेस कैल्क कंपोनेंट का। थैंक यू।